6 सितंबर योम दिफा के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से UCA गरीबाबाद गोट में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जो कि आगा करीम की सरबराही में हुआ। प्रोग्राम में पाकिस्तान के सैलाब जदगान के और पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए पुरखसूस दुआ की गई और सैलाब जदगान की हमदर्दी का इजहार भी किया गया। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि पाक फ़ौज के जवानों को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा जान मोहम्मद बलोच, मीर अब्बास टालपुर और दीगर शुरका भी मौजूद थे। हम समझा तो थे जो बरसात बारिश में मुतासर थे 6 सितंबर के हवाले से उन्हें जो शहीद थन उनके खिराज तहसीन पेश कर करें एक बेहतरीन प्रोग्राम माशाला किया उनके आसाल सवाब पहुँचने ला करें सिंध हुकूमत उन बायदा कैंप कायम क्यों टेंट सिटू कायम थे उतने उन्होंने हर शह की सहूलत है खुराक भी उतने उनके दिनी थी वे उनसे गडो गड उन दवाइयों मेडिसन डॉक्टर सब अवेलेबल हैं। ये सैलाब में पूरे पाकिस्तान में सिंध बलूचिस्तान समेत पूरे हमारे खुदादादे पाकिस्तान में सैलाब में तकरीबन 1200 के करीब लगभग लोग अफराद शहीद हुए, 1.5 लाख के करीब लोग ज़ख्मी हुए और कई लोग बेघर हुए। तो हमने इनके एहसाल सवाब के लिए और खुसूसन जो बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट लसपहला में हेलीकॉप्टर में जो शहीद हुए हमारे फौजी अफसरान नौजवान जो सैलाब मुतासिरीन के इमदादी कामों में पेश थे, इसी दरमियान उनको हादसा पेश आया और वो शहीद हुए। तो इन सब के एहसाल सवाब के लिए और खुसूसन योम दिफा यानी इस मुल्क के दिफा के खातिर जो हमारे जवान हमारे अफराद हमारे फौजी जवान अफसरान शहीद हुए, इन सब के लिए एक इज्तमाई दुआ और कुरान खानी का एहतमाम किया गया था न्याज और लंगर का, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग और समाजी लोग उलमाए किराम उस्ताद साहिबान कारोबारी शख्सियत सब आए शरीक हुए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतासरीन के हवाले से कि उनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, तो ये कोई बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। 2010 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सैलाब मुतासरीन के बेघर होने पर लोगों ने तरह तरह के बयान किए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन आखिरकार वही सैलाब मुतासरीन अपने घरों के छतों पर चढ़कर जिए भुट्टो के नारे लगा रहे थे और उन्होंने खुशी का इजहार किया, उनके घर बना कर दिए, उनको अपने घरों में मुंतकिल किया और उनको शहीद बेनज़ीर मोहतरमा के कार्ड से पी ख़ानदान 25,000 रुपये दिया। इसी तरह इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी पूरी जमात, तमाम MPA MNA साहिबान इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, कैंपों में जा रहे हैं और बाकायदा इस वक्त वो मौजूद है। ये नहीं कि वो लाहौर या लंदन में या दुबई में, नहीं, वो उन एरियाओं में मौजूद है, उन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, चाहे वो मेड़ खैरपुर नातन शाह हो, चाहे वो लड़काना सकर हो, चाहे वो सिजावल हो, चाहे वो बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हो, जहाँ जहाँ भी हमारे रहनुमा मौजूद है, हमारे MNA MPA मौजूद है, हमारे सेनेटर्स मौजूद है, हमारे ख्वातीन मौजूद है, हमारे रज़ाकार कारकुनान मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम सैलाब मुतासरीन को किसी सूरत भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आगा करीम खान ने जो आज अपने शोधाओं के लिए दोहा की और उनको कराज अकीदत पेश करने के लिए आज तमाम दोस्तों को यहाँ मधु किया और उसके साथ साथ 6 सितंबर के हवाले से भी हमारे जवान जो शहीद हुए उनके हवाले से भी आज उनकी भी दुआ मगफरत के लिए दुआ की गई। हम भी दुआ को हैं, अल्लाह ताला इन हमारी शोदाओं की मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी इस तरह का कोई सैलाब या तूफान आया हो। बहुत सारे लोग अपने जान गंवा बैठे हैं। तूफान भी इस तरह से आया कि पूरी पाकिस्तान में बैक वक्त इस वक्त किसी एक सूबे का हम नहीं कह सकते, बल्कि पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। वो चाहे KP हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो। अपने अफवाज पाकिस्तान को भी सलाम पेश करता हूँ कि वो वतन की हिफाजत या मुश्किल वक्त में
अपने कौम के साथ है और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त हमारे चेयरमैन साहब हम और सब लीडरों के साथ हमारे एमपीए एमएलए सब इस मुसीबत वाला लोगों के साथ हैं। आज यौम दिफा भी है, पाकिस्तान के दिफा का दिन भी है और अपने शहीदों को भी याद किया और उसके साथ साथ सैलाब जदगान को भी। हम 6 सितंबर यौम दिफा पाक फौज के साथ शाना बशाना प्रोग्राम पूरे मुल्क में मनाते हैं। शहीद हमारे मुल्क के दिफा के लिए होते हैं, हमेशा मुल्क के दिफा करते रहते हैं। आप सबको पता है कि सैलाब की तबाहकारियां पूरे मुल्क में बहुत बड़ी तबाही हुई है और उसके साथ साथ बहुत बड़ी फरागदली का मुजाहरा किया है इस शहर कराची ने और इर्द गिर्द के लोगों ने, ख़ासतौर पर पार्टी के लोगों ने। हर बंदा, हर शख्स अपनी इस्तेआत के मुताबिक कोशिश कर रहा है कि इन सैलाब जदगान की हेल्प और मदद की जाए। आज के मेज़बान आगा करीम खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज सैलाब जदगान के लिए और जो शहीद हुए हैं, जो फौज के हमारे अफसरान और सिपाही शहीद हुए हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यह शानदार प्रोग्राम रखा है। मैं करीम खान आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कैमरामैन टीम के साथ अली असगर, कराची।